Poiseuille's formula कहाँ काम आएगा? For flow of liquid through the capillary tube. अब flow of liquid का मतलब होता है rate of flow of liquid, और rate of flow of liquid का मतलब होता है volume flowing per second. तो आप suppose करो ये आपके सामने एक पाइप है, ये आपके सामने एक पाइप है, पाइप में लिक्विड मूव कर रहा है, तो बाहर आ रहा है लिक्विड. इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए. और पाइप में से वेलोसिटी मान लो लिक्विड की कितनी है? वी. हमने ये फोर्स और वर्क पर एनर्जी के अंदर भी किया था कि अगर मैं ये पूछूं कि कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है पर सेकेंड, दिस इज ऑलवेज गिवन बाय एरिया इंटू वेलोसिटी. वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड जो बाहर आएगा इज गिवन बाय एरिया इंटू वेलोसिटी. तो क्यों? क्योंकि मैंने बताया था एरिया को आप किस में मेजर करते हो? मीटर स्क्वायर में. और वेलोसिटी को किस में? मीटर पर सेकेंड में. तो आंसर क्या आएगा? मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड. तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है और वेलोसिटी गिवन है, तो वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड इज गिवन बाय एरिया इनटू वेलोसिटी. क्या ये पहला फॉर्मूला क्लियर है? पॉइसली कहता है कि ठीक है ये फॉर्मूला काम आता है, यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन पॉइसली ये कहता है कि सपोज करो आपको लिक्विड की वेलोसिटी गिवन ही नहीं है, तो कैसे निकालोगे वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड? वेलोसिटी वो दे ही नहीं रहा. इसकी बजाय वो क्या दे रहा है कि अगर लिक्विड इसमें से बाहर आ रहा है और यहां का प्रेशर का पॉइंट P2 है, इस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है, और यहां का लिक्विड का प्रेशर का पॉइंट जो है वो P1 है और कम है, तो पाइप के अक्रॉस आपने क्या डेवलप कर दिया? प्रेशर का डिफरेंस. कितना प्रेशर डिफरेंस किया? P2 - P1. सपोज इसको P या डेल्टा P से रिप्रेजेंट कर सकते हो. P यहां पर क्या बताते हैं? प्रेशर नहीं, P यहां पर प्रेशर का डिफरेंस. तो पाइप के अक्रॉस जब प्रेशर डिफरेंस होता है तो पानी मूव करता है, और अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो पानी कभी मूव नहीं करेगा. तो हमारे घरों में पानी भी कैसे आ रहा है? ट्यूबवेल लगे हुए हैं हर एक एक लोकेलिटी में, ट्यूबवेल्स ही ट्यूबवेल्स हैं. सुबह उठ के वो ट्यूबवेल वाला बंदा जो है मोटर ऑन करता है 4-5 बजे, तो वहां से एक बड़ी पाइप लगी हुई है, बहुत बड़ी पाइप, उस पर बहुत तेजी से मोटर, बहुत बड़ी मोटर है और पानी को पुश करती हैं. तो पाइप में बहुत तेजी से पानी जा रहा है, रास्ते में हमारे घर हैं, घरों में से पाइप का कनेक्शन है, इतना तेज वेलोसिटी से पानी जा रहा है, इतना प्रेशर है कि यहाँ पर ऊपर पाइप में चढ़ना स्टार्ट हो जाता है. यहाँ कोई बंदा रह रहा है, फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, टॉप फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर है, तो यहाँ तक पानी अपने आप चढ़ता जाता है. कई बार बोलते हैं नहीं प्रेशर कम आ रहा है, पानी स्लो आ रहा है, क्योंकि नीचे का पानी का प्रेशर कम है कहीं. अगर प्रेशर कम है तो ऑब्वियसली नीचे गिरेगा. या बहुत सारे घर एक ही टाइम पे सब नलके खोल रखे हैं, तो प्रेशर ऑब्वियसली वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर फर्क पड़ जाएगा उसमें. तो ऐसा ये चैप्टर यही डील करता है कि कितना प्रेशर और किस पाइप में कितना पानी जाएगा. तो ऐसे ही कुछ होगा इसमें. तो जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, और प्रेशर का कॉन्सेप्ट भी सीखना पड़ेगा. तो चलो इसके अंदर पॉइसली ये कहता है कि मान लो प्रेशर का डिफरेंस, जो प्रेशर का डिफरेंस है वो कितने पी है. पी का मतलब प्रेशर नहीं है, फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रेशर का डिफरेंस है. तो पॉइसली कहता है कि जो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है ना, वो प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का डिफरेंस है. अब कॉमन सेंस है, जितना ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस होगा पानी का वॉल्यूम उतना ही बाहर निकलेगा पर सेकेंड. तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड उतना ही ज्यादा निकलेगा. क्लियर है? नेक्स्ट रूल है इसका, अगर रेडियस आर है तो पॉइसलीज के अकॉर्डिंगली जितना बड़ा रेडियस होगा उसकी फोर्थ पावर पे वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड डिपेंड करेगा. यानी कि अगर रेडियस पाइप का बड़ा होगा तो पानी का वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड भी ज्यादा निकलेगा. नेक्स्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा. वो कह रहे हैं अगर मान लो कोई विस्कस लिक्विड है, हनी है, उसका ईटा ज्यादा है तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड कम हो जाएगा. लेकिन अगर जिसका ईटा कम है, पतले लिक्विड है, जल्दी फ्लो करते हैं, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड ज्यादा हो जाएगा. और लास्ट वो कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पाइप. अगर लेंथ ऑफ द पाइप बड़ी है तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड छोटा है. ऐसा क्यों? जैसे मान लो 1 मीटर की पाइप है, यहां से पानी आया और यहां चला गया, ओके, दूसरी पाइप लाएं, दूसरी पाइप लगाते हैं आप, यहां से जरा पानी खोलो 15 सेक्टर से, अपन 16 सेक्टर में खोलते हैं, पाइप इतनी लंबी ले लेते हैं, 1 किलोमीटर लंबी पाइप, पानी खोलोगे, वेट करना कब पानी निकलेगा वहां से, निकलेगा ही नहीं, लेंथ इतनी बड़ी है, इतना सारा पानी तो लेंथ ही कंज्यूम कर जाएगी, बीच में फंस नहीं जाएगा पानी. तो यानी कि लेंथ जितनी बड़ी होगी पानी का वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड उतना ही छोटा हो जाएगा. क्लियर है यहां तक? तो प्रेशर ज्यादा चाहिए होगा लंबी पाइप्स में. एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर की तो बात ही नहीं हो रही, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड कह रहे हैं,
एक सेकेंड में सारा का सारा पूरा पानी बाहर निकल आएगा, एरिया बड़ा होगा तो। इतनी बड़ी पाइप में से पानी बाहर निकलना है, एक मिनट में बाहर निकलेगा। और छोटी पाइप होगी तो तेज तो निकलेगा, पर जगह ही नहीं छोड़ोगे तो निकलेगा कैसे? तो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वो क्या करता है, वो कहता है इन सबको कंबाइन कर लो, इन सबको कंबाइन करके वॉल्यूम वी का मतलब यहां पर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है। और वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू पी आर फोर बाई ईटा एल। ये फॉर्मूला बताया पॉइसन ने हमें, और एक कॉन्स्टेंट लगा के दिया पाई बाई एट। तो ये इसमें प्रूफ तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो एक्सपेरिमेंटल है। तो आज के बाद वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड अगर ट्यूब में से निकलेगा, उसमें कोई भी दो फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला लगेगा, या तो एरिया इंटू वेलोसिटी, वो भी आपको वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड देगा, और दूसरा पॉइसन का फॉर्मूला दैट इज पाई बाई एट, प्रेशर का डिफरेंस पी, रेडियस इज टू पावर फोर बाई ईटा एल। दो फॉर्मुलास याद रखने हैं बस, क्लियर है? यूज कैसे करना है वो नेक्स्ट क्लास का काम है, न्यूमेरिकल नेक्स्ट टाइम करने हैं। अजम्पशंस कुछ नहीं करना आपको, जरूरत नहीं अजम्पशंस करने की, ठीक है? और इसके अंदर जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है स्ट्रोक्स फॉर्मूला।